वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। चुनावी मौसम है इसलिए देश में कई नेता तिलक भी लगा रहे हैं और ब्राह्मणों से बात भी कर रहे हैं, मंदिरों के चक्कर भी लगाते हैं और अपने आप को जने उधारी पंडित बताने से भी गुरेज नहीं करते। पर इस नकाब के पीछे की कहानी कुछ और है और उसकी सच्ची तस्वीर आप राजस्थान में देख लीजिए, जहां कांग्रेस की ही सरकार है। एक तरफ तो दीदी भैया यूपी में तिलक लगाए घूम रहे हैं तो दूसरी तरफ गहलोत सरकार ने जो काम किया उस पर हिंदू संगठन का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने कोरोना का हवाला देते हुए आरएसएस को दशहरे के मौके पर पथ संचलन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये फैसला जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने लिया और इस पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है। ऐसे में बड़े बड़े आयोजनों की जगह कम संख्या में विजयदशमी का उत्सव मनाया जाएगा, शाखाओं में 200 से भी कम लोगों को शामिल किया जाएगा। बता दें कि जयपुर महानगर के 4 भाग और 29 नगर हैं। नगर की योजना के आधार पर शाम को 31 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि आरएसएस की स्थापना होने के बाद से ही विजयदशमी पर संघ शस्त्र पूजन और पथ संचलन करता आ रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं मिलने के बाद अब ये छोटे स्तर पर ही नजर आएगा। और इस फैसले का विरोध करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने सरकार को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इसी जयपुर में पिछले दिनों कई प्रदर्शन हुए, उसमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। ऐसे उदाहरण देकर भाजपा ने पूछा कि क्या उन मौकों पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां नहीं उड़ी थी। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि करीब 1 साल पहले जयपुर में ही कोरोना की पहली लहर के दौरान सीएए को लेकर प्रदर्शन हुए थे। विजयदशमी को देश में विजय दिवस के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार का अनुमति देने से इनकार करना उनकी राजनीतिक सोच को दिखाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात तो यह है कि इससे पहले इसी साल अप्रैल में धौलपुर में बीजेपी विधायक सुखराम खोली ने हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की थी। इसके बाद अखंड रामायण का पाठ कराया गया जिसमें 500 से अधिक भक्त शामिल हुए थे। और इस बात को लेकर सीएम गहलोत ने एक बैठक में वहां के डीएम और एसपी की क्लास लगा दी, लेकिन जैसलमेर में सरहद का सुल्तान गाजी फकीर के जनाजे में जब भीड़ उमड़ी तो इन्हीं सीएम साहब के प्रशासन आंखें बंद कर चुकी थी। इसलिए राजनीतिक चश्मे से सिर्फ हरा ही हरा देखने वाली सरकार का ये कोई फरमान नया नहीं है, इसलिए फर्क समझना भी ज्यादा मुश्किल बात नहीं। वैसे आपको बता दें कि गाजी फकीर के बेटे मोहम्मद सालेह राजस्थान सरकार में वक्फ और अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री है। यही वजह है कि अब कांग्रेस पर तुष्टिकरण के आरोप लगते रहते हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।